नमस्कार, मैं चंद प्रकाश शर्मा आपका स्वागत करता हूँ प्रोजेक्ट कॉमन सेंस में। आज से हम एक अलग क्लास चालू करने जा रहे हैं, मतलब कहने का कि आज से हम एक अलग वीडियो डालेंगे 2 या 3 दिन के बाद। उसमें जो स्पोर्ट्स होते हैं उनसे रिलेटेड ये वीडियो होंगे, जिसमें किसी भी स्पोर्ट्स के संबंध में आपको जानकारी दी जाएगी जो महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स हैं, और उनकी जो बेसिक जानकारी है, बेसिक जो टर्म्स हैं या बेसिक जो उन गेम्स से रिलेटेड या स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो बातें हैं वो आपको बताई जाएंगी। उन गेम्स से जुड़ी संस्थाओं के बारे में बताया जाएगा, उन गेम्स से जुड़े अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खिलाड़ी या राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खिलाड़ी या आपके मध्य प्रदेश के जो महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं उनकी चर्चा हम करेंगे। तो ये सिर्फ बेसिक क्लास होंगी, हर स्पोर्ट्स की 2 क्लास हुआ करेंगी, 20-20 25-25 मिनट की, जिसमें आप उस स्पोर्ट्स के बारे में पूरी तरह से जान लेंगे। और फिर जो नई खबरें होती हैं उन नई खबरों को आप उनसे जल्दी आसानी से अटैच कर पाएंगे, और वो नई जो करंट न्यूज होती हैं आपके आपके खेलों से संबंधित उन्हें आप अच्छी तरह से याद कर सकेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं बैडमिंटन की। तो इसमें हम देखेंगे कि ये किस तरह का खेल है, मतलब इसका टाइप क्या है। तो आप पाएंगे कि ये रैकेट स्पोर्ट्स के अंतर्गत आता है, मतलब ये उस कैटेगरी का खेल है जिसमें रैकेट का प्रयोग किया जाता है। जैसे इस कैटेगरी के अन्य खेलों की अगर मैं बात करूं तो जो टेनिस होता है या टेबल टेनिस होता है या स्क्वैश होता है, ये भी रैकेट कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले खेल हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि रैकेट स्पोर्ट्स निम्न में से कौन से नहीं है, तो ध्यान रखें स्क्वैश एक गेम है, उसमें रैकेट का उपयोग किया जाता है। ये सारे गेम आपको पढ़ाए जाएंगे, स्पोर्ट्स पढ़ाए जाएंगे। अब आप देखेंगे कि बैडमिंटन में जो कोर्ट होता है, मतलब जिस पिच पर खेला जाता है बैडमिंटन, उसे हम कोर्ट के नाम से जानते हैं। ये इसका जो आकार होता है वो रेक्टेंगुलर होता है, मतलब आयताकार होता है। ये आयताकार का मतलब लंबाई अधिक होती है, चौड़ाई कम होती है। कहने का मतलब लंबाई और चौड़ाई यहाँ बराबर नहीं होती हैं, इसकी आयताकार शेप होती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो बैडमिंटन की जो अगर फॉर्म देखेंगे कि कितने इवेंट में ये खेला जाता है या कितने फॉर्म में खेला जाता है, तो उसकी जो कॉमन फॉर्म है वो दो है, सिंगल्स और डबल्स। जब भी आप कोई मैगजीन्स पढ़ते होंगे या कोई टूर्नामेंट देखते होंगे, उस टूर्नामेंट में आप पढ़ते होंगे कि सिंगल्स इस व्यक्ति ने जीता या इस खिलाड़ी ने जीता या डबल्स इस खिलाड़ी ने जीता, तो उसका मतलब ये होता है कि उस बैडमिंटन के टूर्नामेंट में या सिंगल टूर्नामेंट है तो सिंगल सिंगल प्लेयर के बीच में मैच हुआ है, और अगर डबल्स टूर्नामेंट है तो डबल्स मतलब दो दो प्लेयर के मध्य में मैच हुआ है। कहने का मतलब सिंगल्स में एक टीम में एक खिलाड़ी होता है और डबल्स में एक टीम में दो खिलाड़ी होते हैं। अब जो सिंगल्स होता है वो मेन सिंगल्स होता है, वुमेन सिंगल्स होता है। इसी तरह से जो डबल्स होता है, डबल्स बैडमिंटन, वो मेंस डबल्स होता है, वुमेन्स डबल्स होता है या मिक्स डबल्स होता है। मिक्स डबल्स में जेंडर बेस पर एक मेल और फीमेल होता है। तो इस तरह से ये मुख्य रूप से 5 कैटेगरी के अंतर्गत महत्वपूर्ण गेम्स होते हैं बैडमिंटन के अंतर्गत। जो भी आप मैगजीन पढ़ेंगे उसमें इन्हीं 5 कैटेगरी के अंतर्गत आपको मुख्य रूप से अवार्ड देखने को मिलेंगे कि मेन कैटेगरी में किसने जीता है, वुमेन्स कैटेगरी में किसने जीता है सिंगल में, या फिर डबल्स में मेन कैटेगरी के अंतर्गत किसने जीता है, या वुमेन्स कैटेगरी के अंतर्गत किसने जीता है। साथ ही साथ जो मिक्स्ड है उसमें डबल्स कैटेगरी के अंतर्गत किस खिलाड़ी ने जीता है, तो ध्यान रखिए मैगजीन पढ़ते समय। इसके साथ साथ आप देखेंगे कि इस गेम का जो संबंध है वो भारत से रहा है, कहीं ना कहीं ब्रिटिश इंडिया से रहा है। जब भारत पर अंग्रेज शासन कर रहे थे तो जो पूना है भारत का, पूना में ये गेम अंग्रेजों के द्वारा खेला जाता था, और इसके आधार पर इस गेम को पूनाई कहा जाने लगा। तो ध्यान रखिए पूनाई शब्द का उपयोग अगर गेम्स के संबंध में पूछा जाए तो ये बैडमिंटन से संबंधित है। आप इसकी सर्वोच्च संस्था के बारे में देखेंगे, बैडमिंटन की जो सर्वोच्च संस्था है वो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। ध्यान रखें बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, लेकिन जो ये नाम है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, ये नाम 2005 में दिया गया है। इसका जो प्रारंभिक नाम था वो था IBF, मतलब इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन, लेकिन ये नाम 2005 में बदल दिया गया।
जो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन था इसकी स्थापना 1934 में हुई थी, ध्यान रखें, मतलब 1934 में ये बैडमिंटन जो इंटरनेशनल बैडमिंटन फेडरेशन था वो बना था। इसके जो संस्थापक सदस्यों की बात करूं मैं, तो इसके जो संस्थापक सदस्यों की संख्या 9 थी और जिसमें भारत नहीं था, ध्यान रखें। अगर ऐसा कहीं प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का सदस्य नहीं था, संस्थापक सदस्य नहीं था, तो भारत इसका सदस्य नहीं था, बाकी के 9 देश सदस्य थे और मुख्य रूप से ये देश यूरोपियन थे। अगर आप इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का जो प्रेजेंट मुख्यालय है वो कुआलालंपुर में है, जो कि मलेशिया में पड़ता है। आप जब वर्ल्ड के मैप को देखेंगे तो जो पूर्वी जो भाग पड़ता है भारत के पूर्व में, वहाँ पर आपको मलेशिया दिखाई देगा। ये म्यांमार, मलेशिया या थाईलैंड वगैरह जो एशियन कंट्रीज बोलते हैं हम, वहाँ पर आपको इसकी लोकेशन दिखाई देगी, कुआलालंपुर या मलेशिया। तो ध्यान रखें, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय कुआलालंपुर है, जो 2005 में बनाया गया है। एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है कि इसका जो मुख्यालय था वो पहले अलग था और अब अलग है। पहले जो था वो इंग्लैंड के अंतर्गत आता था और अब जो है वो मलेशिया के अंतर्गत आता है। अब आप इसे गेम्स, इसे स्पोर्ट्स के अंतर्गत अगर आप देखेंगे, इक्विपमेंट की बात करेंगे, मतलब किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें आप देखेंगे रैकेट होता है इसमें एक, क्योंकि रैकेट कैटेगरी का ही स्पोर्ट्स है ये। तो रैकेट का जो वेट होता है वो कितना होता है, ध्यान रखें, आपके एमपीपीएससी या अन्य एग्जाम में ये वेट से संबंधित क्वेश्चन आते हैं या लेंथ वगैरह से संबंधित क्वेश्चन आते रहे हैं। तो जो रैकेट का अगर आप वजन की बात करेंगे तो रैकेट का जो वेट होता है वो 85 से 140 ग्राम होता है, अगर पूरे रैकेट के वेट को अगर हम गिनते हैं तो, मतलब पूरे रैकेट का वेट मतलब उसमें उसका जो सर्किल होता है, पूरा ढांचा होता है उसका वजन, और साथ ही साथ धागे का वजन, और साथ ही साथ उसका जो हैंडल होता है उसका कंप्लीट जो वजन होता है वो 85 से 140 ग्राम होता है। लेकिन अगर हम सिर्फ और सिर्फ उसके ढांचे की बात करें तो ये 70 से 95 ग्राम होता है। ध्यान रखें, जो रैकेट होता है उसका जो पूरा जो बॉडी होती है वो कार्बन फाइबर की बनाई जाती है। जो अच्छे रैकेट होते हैं, कार्बन फाइबर की एक विशेषता होती है कि कार्बन फाइबर में जो डायनामिक एनर्जी है अर्थात गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, मतलब जो जो कार्बन फाइबर होता है वो गतिज ऊर्जा को तेजी से बढ़ाता है, मतलब कम फोर्स लगाने से गतिज ऊर्जा तेजी से बढ़ती है उससे। आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, फिजिक्स में आप जानते होंगे कैसे स्टैटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा होती है वो गतिज ऊर्जा में चेंज होती है, तो इसलिए हम कार्बन फाइबर का उपयोग रैकेट में करते हैं। तो अगर आपसे कभी प्रश्न पूछा जाए भौतिकी के अंतर्गत प्री में कि कार्बन फाइबर की रैकेट क्यों बनाई जाती हैं, तो ध्यान रखिए क्योंकि इनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। इसके साथ साथ आप देखेंगे जो जिस धागे से रैकेट को बुना जाता है उसकी अगर मोटाई के बारे में आप देखेंगे तो 0.62 mm से 0.73 mm होता है, मतलब 1 mm से कम होता है इसकी जो मोटाई होती है। ये हुई रैकेट की बात। इसके साथ साथ आप अगर बर्ड की बात करेंगे, जैसे हम चिड़िया बोलते हैं या शटल कॉक बोलते हैं, ध्यान रखिए वर्ड भी बोलते हैं इसे या वर्ड ही भी बोलते हैं, BIRD IE। तो इसका जो शेप होता है आप जानते हैं कॉनिकल शेप होता है। इसमें एक और चीज महत्वपूर्ण है कि जो वर्ल्ड होती है इंटरनेशनल वर्ल्ड या शटल कॉक, उसमें जो पंख लगे होते हैं, ओवरलैपिंग जो फीचर्स फेदर होते हैं वो 16 होते हैं, वो 16 पंखों की बनी हुई होती है वो चिड़िया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कॉनिकल शेप होता है और 16 पंखों की वो बनी हुई होती है। आपको अपनी पूरी स्टडी के दौरान एक चीज़ और ध्यान रखना है, आपको जो मात्रक होते हैं उनको एक मात्रक से दूसरे मात्रक में कन्वर्ट करना आना चाहिए, जैसे कि ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना आना चाहिए, या अन्य जो वेट के जो मात्रक हैं उन्हें कन्वर्ट करना आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कभी कभी कि ग्राम की जगह, जैसे कि यहाँ पर आपको ग्राम बताया, ग्राम की जगह वो आंसर किसी और चीज़ में देते हैं, जैसे कि ऑन्स में देंगे या पाउंड में देंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें चेंज करना आना चाहिए। इसके लिए ये कुछ बातें मैंने बताई हैं कि एक, यदि ये आंसर ऑन्स में पूछा, ऑन्स में आंसर दिया होता तो इसे कन्वर्ट कैसे करते हम, एक ऑन्स होता है वो 28 ग्राम के बराबर होता है, और इसी अगर पाउंड में ये आंसर देता तो इसे हम बोलते हैं कि 1 ounce 0.0625 पाउंड के बराबर होता है।
इसी तरह अन्य जो मात्रक हैं फुट को या सेंटीमीटर को, ये चेंज करना, फुट को चेंज करना किसी अन्य मात्रक में, तो ये सारे मात्रक आप ध्यान देना। इसी तरह से कुछ लिक्विड मात्रक होते हैं जो लिक्विड चीजों को नापने के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि तेल को नापने के लिए बैरल का यूज किया जाता है, तो इनकी वैल्यू कितनी होती है ये आप एक जगह ध्यान रख लिखते रहें, क्योंकि इनमें से प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है, चाहे दूरी के मात्रक हों जैसे कि आप फिजिक्स में पढ़ते होंगे पास सेक वगैरह, या वन लाइट ईयर जिसे हम बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष, तो ऐसे सभी मात्रकों पर आप ध्यान दीजिए। तो ये बात हुई बैडमिंटन की, सामान्य के इक्विपमेंट कौन सा यूज होता है, सर्वोच्च संस्था कौन सी है, भारत का इससे क्या रिलेशन है, तो पुनः जो शब्द है इसको व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखें, कितने टूर्नामेंट होते हैं सिंगल्स और डबल्स। अब आप ध्यान देंगे इसके कोर्ट पर, इसके कोर्ट की हम बात करते हैं, तो बैडमिंटन कोर्ट होता है जो आयताकार होता है और ये नेट के द्वारा विभाजित होता है बीच में से दो भागों में, ये आप देख सकते हैं ये नेट है जहाँ पर नेट लगा होता है, इसके द्वारा ये पूरा कोर्ट दो भागों में विभाजित हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि राइट सर्विस कोर्ट ये रहा, लेफ्ट सर्विस कोर्ट ये रहा, इसी तरह से राइट के अपोजिट में राइट होगा राइट सर्विस कोर्ट और ये लेफ्ट सर्विस कोर्ट। इसमें आप कुछ लाइन से देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों कोर्ट को जो विभाजित करती है ये वाली लाइन, इसे हम सेंटर लाइन बोलते हैं, आप देख रहे होंगे। इसके साथ ही ये जो लाइन है इसे हम शॉर्ट सर्विस लाइन बोलते हैं, ये लाइन एक इस तरफ होगी और एक इस तरफ होगी, ये शॉर्ट सर्विस लाइन है। इसी तरह से ये जो लाइन है वो सेंटर लाइन बोलते हैं इसे हम। इसी के साथ ही जो सबसे पीछे वाली लाइन है उसे हम लॉन्ग सर्विस लाइन बोलते हैं, और इसके भी पीछे जो लाइन है उसे उसे हम बेस लाइन बोलते हैं, और साथ ही साथ जो साइड में जो लाइन है इसे हम साइड लाइन बोलते हैं। एक चीज ध्यान में आपको बता दूं कि जब सिंगल्स का मैच होता है और डबल्स का मैच होता है तो इस चौड़ाई में अंतर आ जाता है, चौड़ाई परिवर्तित हो जाती है लेकिन लंबाई में कोई चेंज नहीं आता है, तो आप लंबाई हमेशा सेम देखेंगे किसी भी कोर्ट की, लेकिन चौड़ाई में आपको अंतर दिखाई देगा। जैसे कि आप चौड़ाई की अगर बात करें तो आपका जो कोर्ट होता है ये 20 फुट चौड़ा होता है, जिसे हम मीटर में बदलते हैं तो 6.1 मीटर के अंतर, 6.1 मीटर इसका मान आता है, और लंबाई अगर इसकी हम देखें तो 44 फुट आती है, जो 13.4 मीटर, सॉरी जो लंबाई आती है वो इसकी 44 फिट आती है जो कि 13.4 मीटर होती है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं ये जो 20 फिट लंबाई है ये डबल्स के लिए, जो सॉरी जो 20 फुट चौड़ाई है वो डबल्स मैच के लिए होती है, सिंगल मैच के लिए जो सिंगल्स जो मैच होता है उसके लिए जो चौड़ाई होती है वो 17 फिट होती है। तो अगर आपसे इनटू में अगर एरिया पूछा जाए कि एक सिंगल्स का मैच है या डबल्स का मैच है तो उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है, तो डबल्स में ध्यान रखें 20 फुट इंटू 44 फुट, और सिंगल्स में 17 फुट इंटू 44 फुट। आप जानते हैं कि बीच में एक नेट लगा होता है, नेट की एक ऊंचाई होती है, तो ये जो ऊंचाई होती है वो 5 फिट होती है, 5 फिट को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 1.5 मीटर ये होता है। तो ये आपका हुआ कि लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, नेट की ऊंचाई कितनी है। आप देखेंगे स्कोरिंग, स्कोर के रूप में देखेंगे क्या होता है कि जो बैडमिंटन का एक खेल होता है, एक पूरा गेम होता है, उसमें 3 सेट होते हैं, 3 सेट में से किसी भी व्यक्ति को या खिलाड़ी को 2 सेट जीतने होते हैं। तो उन 2 सेटों को जीतने के लिए एक महत्वपूर्ण बात है कि उन 2 सेटों में जो जीतने वाला खिलाड़ी है उसे 21 पॉइंट मिलने चाहिए, 21 पॉइंट उसे मिलने चाहिए 2 सेट में, 3 में से 2 सेट में, तो वो जीत जाएगा। लेकिन यदि बराबरी की स्थिति हो, मतलब 2 खिलाड़ी अगर 20-20 पॉइंट पा चुके हैं, तो फिर ये गेम आगे जारी रहता है और 2 पॉइंट की लीड का अंतर जब तक नहीं आ जाएगा तब तक ये गेम चलता रहेगा। लेकिन चलते चलते अगर ये गेम 29 और 29 तक पहुंचता है, दोनों खिलाड़ियों के 29 और 29 पॉइंट हो जाते हैं, तो फिर इसके आगे गेम तब तक चलेगा जब तक कि उनके बीच में 1 पॉइंट का अंतर नहीं हो जाए या 1 पॉइंट की लीड कोई खिलाड़ी नहीं ले ले। तो इस तरह से ये हुई बात महत्वपूर्ण स्कोरिंग, आप ध्यान रखिए कि 21-21 2 सेट जीतने होते हैं इस लंबाई, मतलब इस अंतर से 2 सेट जो 21 पॉइंट के साथ है व्यक्ति को जीतने पड़ेंगे, खिलाड़ी को जीतने पड़ेंगे।
ध्यान रखें, इसमें एक रेफरी होता है और दो लाइनमैन होते हैं। रेफरी आपको हमेशा दिखाई देगा, जब भी आपने कोई भी मैच देखा होगा तो रेफरी आपको जो बीच वाली लाइन है, जो नेट वाली लाइन है, वहां पर आपको एक ऊंचे स्टूल पर बैठा हुआ दिखाई देगा, वो रेफरी होता है। इसके साथ साथ दो लाइनमैन भी होते हैं जो लाइनों को कवर करते हैं, लाइनों के जो रूल्स हैं उनको देखते हैं। तो ये आपने देखा कि बैडमिंटन की सामान्य चीजें क्या थी, फिर बैडमिंटन की लंबाई, जो बैडमिंटन का जो खेल है उसमें कोर्ट की लंबाई चौड़ाई क्या थी या कैसे इसको खेला जाता है, तो यहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। अब जो महत्वपूर्ण चीज है जिसमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं या सबसे ज्यादा हर्डल जिसमें आता है, वो है बैडमिंटन से जुड़े हुए सामान्य शब्द। तो यहाँ पर ध्यान रखें, आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, इन शब्दों को देने का उद्देश्य ये है कि आप इन शब्दों को पहचान सकें एक बार में। यहाँ पर कुछ शब्दों को आपको बता दिया जाएगा कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन बाकी शब्दों को आप अपने तरीके से याद रखें, क्योंकि जिस तरह से शब्दों का जो डिवीजन किया गया है वो बहुत आसान फॉर्म में किया गया है, क्योंकि स्पोर्ट्स में इतने सारे शब्द आते हैं, आप हर शब्द का तो मतलब समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि उसके लिए फिर आपको स्पोर्ट्स में ही रुचि होनी चाहिए पर्टिकुलर किसी स्पोर्ट्स में। लेकिन यहाँ पर आपको जो महत्वपूर्ण जो शब्द थे मैक्सिमम वो आपको बता दिए गए हैं, और आप एक अंदाजा लगा लेंगे कि कौन सा शब्द किस गेम से रिलेटेड है। तो आप इसमें देखेंगे जो महत्वपूर्ण शब्दों की अगर हम बात करें, शब्दावलियों की, तो बैडमिंटन के अंतर्गत हमने डिवाइड किया है सर्विस टर्म्स, स्कोरिंग टर्म्स, कोर्ट लाइन या एरिया टर्म्स, मैच टर्म्स, ऑफिशियल टर्म्स, या फिर रैकेट पार्ट के जो शब्दावलियां हैं वो, और इसके साथ साथ जो टेक्निक या शॉट्स से संबंधित जो शब्द हैं वो। कहने का मतलब जो सर्विस की जाती है गेम में, मतलब जब जो खिलाड़ी खेलते हैं और जब सर्विस की जाती है, सर्विस का मतलब एक व्यक्ति जब दूसरे व्यक्ति को जो कॉक होती है या बर्ड होती है, शटल कॉक होती है, उससे ट्रांसफर करता है, तो उस दौरान इन शब्दों का उपयोग किया जाता है। तो इसमें एक शब्द होता है सर्वर और एक होता है रिसीवर, मतलब जो मारने वाला होता है वो सर्वर बोला जाता है, और जो रिसीवर होता है जिसके पास चिड़िया पहुंचाई जा रही है या वर्ल्ड को पहुंचाया जा रहा है, उसे रिसीवर बोलते हैं। जो सर्विस होती है उसके प्रकार होते हैं लॉन्ग सर्विस, शॉर्ट सर्विस और वाइड सर्विस या हाई सर्विस भी होती है। इसके साथ साथ सर्विस ओवर शब्द भी यूज किया जाता है, और साथ ही साथ लेट एक शब्द है, ये महत्वपूर्ण शब्द है, उस वो भी सर्विस से जुड़ा शब्द है। इसमें क्या होता है, कोई वायलेशन होता है सर्विस का, उसके लिए ये लेट शब्द का यूज किया जाता है। ध्यान रखें, जिन जिन शब्दों के नीचे ये अंडरलाइन की जा रही है वो महत्वपूर्ण शब्द हैं, उन्हें जरूर याद रखें। तो इस तरह से ये सर्वर, रिसीवर, लॉन्ग सर्विस, शॉर्ट सर्विस, वाइड सर्विस, सर्विस ओवर और लेट। इसी तरह से आप स्कोरिंग टर्म्स को देखेंगे तो स्कोरिंग टर्म्स में जो टर्म्स आते हैं वो आते हैं लव, ऑल और ड्यूस। ये तीन शब्द महत्वपूर्ण हैं, लव, ऑल और ड्यूस, ये आपके स्कोर से संबंधित हैं। आप कोर्ट लाइंस या कोर्ट का जो एरिया है जो हमने देखा था उससे जुड़े शब्द देखेंगे, जैसे कि एक बेस लाइन होती है जो आपको बताई थी सबसे पीछे, फिर एक सिंगल साइड लाइन होती है, जब भी सिंगल मैच होता है तो साइड में जो लाइन होती है उसे सिंगल साइड लाइन बोलते हैं, जब डबल्स का मैच होता है तो फिर डबल्स, एक डबल्स साइड लाइन होती है, इसी तरह से एक सेंटर लाइन होती है जो आपको बताया था, साथ ही साथ एक शॉर्ट सर्विस लाइन होती है। ये तो हो गया लाइन की बात। अब आप एरिया की बात करेंगे तो जो पूरा कोर्ट होता है उसे तीन कोर्ट में डिवाइड कर सकते हैं हम, फोर कोर्ट, मिड कोर्ट और रियर कोर्ट। तो इस तरह से ये आपके जो शब्द हुए सर्विस टर्म से संबंधित हुए, आपके स्कोरिंग टर्म्स से संबंधित हुए, आपके कोर्ट लाइन और एरिया से संबंधित हुए। अब मैच से संबंधित जो टर्म है, मतलब मैच जब होता है तो उसमें एक शब्द आता है रैली। रैली का मतलब होता है कि ये वो प्रक्रिया होती है जब जो हम किसी जब किसी चिड़िया को लेकर या वर्ल्ड को लेकर, शटल कॉक को लेकर, जब एक खिलाड़ी मारता है दूसरे खिलाड़ी को और दूसरा खिलाड़ी फिर इसे रिवर्स करता है, और ये प्रक्रिया जब तक चलती रहती है, इस पूरी प्रक्रिया को हम रैली बोलते हैं। सेट आप जानते ही हैं, पूरे एक गेम को सेट बोलते हैं। मैच मैच भी इसी में यूज होता है, और साथ साथ जो डबल शब्द है वो भी यहाँ पर यूज होता है। तो ध्यान रखें, रैली और डबल शब्दों को आप जरूर ध्यान रखें। तो इस तरह से आपके महत्वपूर्ण शब्द हुए लेट, ड्यूस, रैली और रबर। अभी तक आप ऑफिशियल्स, मतलब जो अधिकारी होते हैं खेल से जुड़े, उनके नाम लिख सकते हैं, जैसे कि एक टूर्नामेंट रेफरी होगा, एक मैच एम्पायर होगा, एक सर्विस जज होगा और एक लाइन जज होगा।
ये महत्वपूर्ण ऑफिशियल्स होते हैं, साथ ही साथ मैंने आपको बताया कि रेफरी और दो लाइनमैन भी रहते हैं। तो इस तरह से जो जज या जज बोल सकते हैं या जो ऑफिशियल्स हैं वो इतनी कैटेगरी में डिवाइड हो सकती है। तो ये ऑफिशियल से संबंधित शब्द थे। अब आप देखेंगे जो रैकेट होता है जिससे हम खेलते हैं उसके पार्ट के आधार पर कौन कौन से शब्द होते हैं या शब्दावलियां होती हैं। तो एक रैकेट का हेड होता है, एक रैकेट का सेफ्ट होता है, रैकेट का हैंडल होता है तथा साथ साथ जो रैकेट का स्ट्रिंग बेड होता है जिसे हम जाला बोलते हैं, और साथ साथ इसमें रैकेट का जो शॉट होता है जिसे हम टी जॉइंट भी बोलते हैं। मतलब जहाँ पर जो रैकेट का जो गोल घेरा है रैकेट के जो डंडे से सेफ्ट से जुड़ता है उसे हम टी जॉइंट बोलते हैं। तो इसको ध्यान रखें कि टी जॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि टी जॉइंट किस खेल में से रिलेटेड है। तो जितने भी महत्वपूर्ण रूप से बैडमिंटन या जो भी रैकेट रिलेटेड स्पोर्ट्स होंगे उसमें टी जॉइंट का उपयोग किया जाएगा। तो आपको देखना होगा कि जो टी जॉइंट या रैकेट रिलेटेड स्पोर्ट्स कौन से हैं। अब आप देखेंगे टेक्निक या शॉट्स से रिलेटेड शब्द, मतलब जो यूज किए जाते हैं कि हम गेम खेलते हैं बैडमिंटन, तो कौन कौन सी तकनीकें यूज करते हैं या किस तरह के शॉट्स मारते हैं उसके आधार पर। तो आप इसमें एक शब्द आता है किल। किल का मतलब होता है कि ऐसा अटैक किया गया है, ऐसा शॉट मारा गया है जिसका रिप्लाई सामने वाला नहीं कर पाता है, उसे हम किल बोलते हैं। हेयर पिन नेट शॉट होता है, एक एक बैडमिंटन स्ट्रोक होता है, एक लंग होता है, इसी के साथ साथ एक क्लियर लोब होता है। तो ध्यान रखें एक किल महत्वपूर्ण हुआ यहाँ पर, एक ये LUNG लंग महत्वपूर्ण हुआ, साथ ही साथ लोब महत्वपूर्ण हुआ। एक होता है ड्रॉप शॉट और ड्राइव, इसे भी ध्यान रखें, ड्रॉप शॉट और ड्रॉप और ड्राइव भी बोलते हैं इसे, या ड्रॉप शॉट और ड्राइव। साथ ही साथ जो स्मैश होता है ये भी इसी से जुड़ा शब्द है। स्मैश तीन तरह के होते हैं या और भी ज्यादा होते होंगे लेकिन महत्वपूर्ण होते हैं हाफ स्मैश, फुल स्मैश और बेस लाइन स्मैश। इसके साथ साथ ही नेट शॉट भी इसमें शब्दावली यूज होती है। एक महत्वपूर्ण शब्दावली होती है बुड शॉट, तो इसे भी ध्यान रखें। तो ये आपके महत्वपूर्ण शब्द हुए किल, लंग, लोब, ड्रॉप और ड्राइव, और साथ साथ ये बुड शॉट। इसके साथ साथ जो फॉल्ट होते हैं, फॉल्ट भी दो तीन तरह के होते हैं, फॉल्ट, नेट फॉल्ट, डबल फॉल्ट। ये फॉल्ट होते हैं जब भी चिड़िया या तो नेट से टकरा जाए तो उस समय एक फॉल्ट हो जाता है, या बेस लाइन से बाहर निकल जाए, जो लाइन है साइड लाइन से बाहर चला जाए, चली जाती है चिड़िया, तब भी वो फॉल्ट कहलाता है। तो इस तरह से फॉल्ट की कैटेगरी भी होती है बैडमिंटन के अंतर्गत। तो ये महत्वपूर्ण शब्द हुए। इसके साथ साथ ये गोल घेरे में आप तीन शब्द देख रहे होंगे, फेंट, फ्लिक और कैरी, ये शब्द भी महत्वपूर्ण शब्द हैं। तो इस तरह से इन शब्दों को ध्यान रखें। मैं आपको एक बार और बता दूं, लेट, ड्यूस या लब ऑल ड्यूस बोल सकते हैं ना, ये महत्वपूर्ण शब्द हैं। इसके साथ साथ रबल, रबर और रैली, साथ साथ टी जॉइंट, किल, ड्रॉप शॉट, ड्राइव और फेंट, फ्लिक और कैरी। तो इस तरह से ये आपके महत्वपूर्ण शब्द हुए। अगर आप इन शब्दों को तीन चार बार पढ़ेंगे तो आपको एक आइडिया तो हो ही जाएगा कि आप कोई एग्जाम में ब्लंडर मिस्टेक नहीं करेंगे, साथ साथ आप अपना दिमाग भी चला सकेंगे कि किस तरह से कौन सा आंसर हो सकता है एग्जाम के अंतर्गत, तो उसे आप देख सकते हैं, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा आंसर होगा और कौन सा आंसर नहीं होगा। इस क्लास की शुरुआत करने का महत्वपूर्ण उद्देश्य यही था कि आप देख सकें, जो गेम्स के प्रति एक अलग दृष्टिकोण अपना सकें, इसीलिए यह क्लास आपको बताई गई है, स्टार्ट की गई है। इसके बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप कमेंट में जरूर दें। अगर आपको अच्छी लगी हो क्लास तो इसे जारी रखा जाए और नए रूप में भी लाया जाए, इसमें सुधार भी किए जाएं। इसकी जो कुछ क्लासेस के बाद आप देखेंगे कि जब भी आप समसामयिक खेल से रिलेटेड पढ़ते हैं तो आपको वो पढ़ने में अब काफ़ी मज़ा आएगा। आप उसको रटेंगे नहीं, उसको समझने पर फोकस करेंगे, आपको लगेगा कि हाँ आप कुछ चीज़ें अगर पढ़ रहे हैं तो वो चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो थैंक यू, आपका चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको अच्छा लगता है तो, और साथ साथ ही आप जितने लोगों को चैनल से जोड़ सकते हैं उसमें सहयोग करें। थैंक यू।